हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हॉली लॉज पर मां भीमा काली और प्रभु राम का आशीर्वाद है। हॉली लॉज को कोई माइकलाल डिसलॉज नहीं कर सकता। केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई स्कैन सेंटर नूरपुर, यहां उपलब्ध है 24 घंटे 7 दिन सभी प्रकार की एमआरआई की सुविधा। केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड में मिलेगी सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड की सुविधा सस्ते दाम पर। गर्भवती महिलाओं का 3D, 4D, लेवल 2, NT, NB अल्ट्रासाउंड और पित्ते व गुर्दे की पथरी की जांच की सुविधा भी उपलब्ध। सिविल हॉस्पिटल नूरपुर के सामने केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड एंड MRI स्कैन सेंटर। मोबाइल नंबर 6230256349 या 8894003349। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर काफी वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में उनको भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह क्या बोले, सुनिए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा जयराम जी को कि होली लॉन्च पर माँ भीमा काली का और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। कोई माइका लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो होली लॉन्च को डिसलॉन्च कर सके, क्योंकि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। तो ये बातें करना, मैं समझता हूँ राजनीतिक जीवन में इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं जयराम जी का भी बहुत मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि ही इज़ अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार और संगठन में पूर्ण रूप से तालमेल भी है, विचार विमर्श भी है, प्यार भी है, भाईचारा भी है, और हर तरीके से एक तालमेल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनको पूरा करना ये सरकार का दायित्व है, और संगठन द्वारा जो डायरेक्टिव्स ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिल्ली से आते हैं उनको समय पर प्रदेश के हर क्षेत्र में लागू करना ये संगठन का दायित्व है। और साथ साथ एक तालमेल, एक ब्रिज सरकार के बीच में और जनता के बीच में जो बनाता है वो संगठन बनाता है, क्योंकि संगठन ही जो है वो जो धरातल के मुद्दे हैं उनको सरकार तक ले जाता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो विधायक है। तो ऐसा नहीं है कि संगठन का सरकार के जब सरकार होती है तो कोई रोल नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है, कड़ी है जनता और सरकार के बीच में, और उसको पूरी मजबूती से संगठन के सभी साथी निभाएंगे। और जितने भी मसले प्रदेश में चल रहे हैं उनको समय समय पर सरकार के समक्ष रखने का कार्य करेंगे। लड़ाने में तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने हर तरीके से सरकार को गिराने का प्रयास किया, मगर फिर भी सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे चल रही है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की अभी हाल ही में जजमेंट आई है, उसमें हमारे सभी विधायकों को सुरक्षित किया गया है, तो निश्चित तौर से इसमें सर्वश्रेष्ठ न्यायालय ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने में सब लोगों का योगदान रहा है, और निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम आगे बढ़ेंगे। और जो भी विकास कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के हैं, चाहे वो केंद्र से हम सहयोग लेकर कर रहे हैं, उनको पूरा करना हमारी वचनबद्धता है और उसको हम समय रहते हुए पूरा करेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।